पर इस वक्त होंगे, कैसे होंगे, क्या जिंदा भी होंगे, इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो आपको बता दें। बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। रेलवे सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है, ट्रेन का पटरी से उतरना मुख्य वजह रहा। न्यूज 18 की प्रियंका कांठपाल की ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा, एक हिस्सा मालगाड़ी से जा टकराया। प्रियंका ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, जांच में ये जरूर पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, लेकिन आपकी खबर ये कहती है कि पटरी से उतरना मुख्य वजह रहा। प्रियंका, जानकारी आ रही है प्राइम ऑफिसर में, उसमें ये बताया जा रहा है कि डीरेलमेंट ही मुख्य कारण है। कहीं पर भी हेड ऑन कोलिजन या जिसको आप कहेंगे दो रेलगाड़ियां आपस में टकरा गई, ये स्थिति नहीं हुई। साइड कोलिजन की स्थिति जरूर थी, लेकिन जो डीरेलमेंट हुई वही मुख्य कारण बना। जैसे ही अपनी पटरी से जो कोचेस हैं वो दूसरी पटरी पर गिरे, उसके बाद सामने से आने वाली जो ट्रेन थी वो उस कोचेस की वजह से डीरेल हो गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर खास बात यह है कि ये दोनों ही ट्रेनें एक्सप्रेस ट्रेन थी, यानी कि दोनों ही ट्रेनों में लोग मौजूद थे, और इस वजह से लगातार जो हम आंकड़े देख रहे हैं मौत के आंकड़े, लोगों के घायल होने के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये हेड ऑन कोलिजन नहीं था। प्राइम ऑफिसी में अभी ये पता चल रहा है कि आपस में टकराने की ये जो सिचुएशन थी नहीं बनी हुई थी। डीरेलमेंट अभी तक जो रेलवे सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है वही मुख्य कारण रहा है। जी बिल्कुल प्रियंका, और ये बहुत बड़ी खबर है, इसकी जांच भी आगे जरूर होगी कि आखिर ऐसा क्या रहा होगा। लेकिन प्रियंका, जो खबर अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़ा नुकसान है उन लोगों का, उन जिंदगियों का जो अब शायद रही भी नहीं है। जी बिल्कुल, और देखिए रेल एक्सीडेंट के इतिहास की अगर बात की जाए तो उसमें भी ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, जिसमें अभी तक हम जो देख रहे हैं कि 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा बताया जा रहा है कि कैजुअलिटी हो गई है, 900 से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर हैं। और इसका मुख्य कारण यही है जो मैं लगातार बता रही हूँ कि ये एक गुड्स ट्रेन नहीं बल्कि दोनों एक्सप्रेस ट्रेन का डीरेल हो जाना। और ऐसे में अभी यहाँ पर जो रेल मंत्री है वो कल ही दिल्ली से निकल गए थे, वो स्पॉट पर भी पहुंचे हुए हैं, और एक हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी की भी बात की गई है, जहां पर जो सेक्शन ऑफिसर है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इसके पूरे कारण को वो पता करें कि किस वजह से ये एक्सीडेंट जो है वो हुआ है। लेकिन फिलहाल रेलवे और उड़ीसा प्रशासन दोनों की कोशिश यही कि रेस्क्यू ऑपरेशन को सबसे पहले अंजाम दिया जाए, अगर कोई भी कहीं भी फंसा हुआ है तो उसे निकाला जाए, निकटतम अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। प्रियंका, बहुत खौफनाक है तस्वीरें जो इस वक्त हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन प्रियंका ये भी आगे जरूर समझना होगा कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, ये आखिर कुछ सेकंड में, क्योंकि वो ट्रेन जो अपने सफर पर निकली थी, यात्री वहां पर बैठे थे, आखिर ऐसा क्या रहा होगा कि ट्रेन यहाँ पर पटरी से उतर जाती, क्योंकि अमूमन ऐसा हम देखते नहीं है कि उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। जैसे आपने भी कहा कि रेल इतिहास में अगर हादसों की हम बात करें तो ये बहुत बड़ा हादसा, इससे पहले ऐसा बहुत साल पहले तक भी हमने देखा नहीं है। ये डीरेलमेंट क्या हुआ, किस वजह से हुआ, इसकी इंक्वायरी फिलहाल सेटअप की गई है। लेकिन मैं अगर इंसिडेंट वाइज बताऊं तो बताया जा रहा है कि 6:51 पर एक ट्रेन वहां पर पहुंची, 6:54 पर वो ट्रेन डीरेल हुई। दूसरी जो बैंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी वो 6:55 पे उस पहले वाली ट्रेन के कंप्लीट हो रेस्क्यू ऑपरेशन। अब मैं हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी मध्य गढ़ी छु, से इंक्वायरी कमिटी जिते शीघ्र तदंत कर बाहर करिबो कौन कारण जो एते बड़ा एक्सीडेंट है। निश्चित भावे यही एक्सीडेंट रो जहाँ मूल अच्छी से मूल पर्यंत आम पहुँचा, जो जो यही एक्सीडेंट रो जहाँ मूल अच्छी से मूल पर्यंत आम पहुँचा निश्चित भावे। मोर समस्त निवेदन आपण मैने समय आमको रेस्क्यू उपरे फोकस करने समय दिखते।